नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पंचायत चुनाव के मल्टीपोस्ट ईवीएम से होने के बारे में। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। हालांकि अब तक चुनाव की तारीख को लेकर कोई खास जानकारी सामने नहीं आई है, मगर चुनाव की संभावित तारीख अप्रैल मई बताई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ चुनाव को 10 चरणों में करवाए जाने का ऐलान पहले ही किया जा चुका है। हालांकि इस बार का चुनाव बेहद ही खास और अलग अंदाज में होने वाला है, जिसके तहत इस बार चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से नहीं बल्कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव के तर्ज पर ही ईवीएम से करवाए जाने की तैयारी चल रही है। हालांकि अभी ईवीएम को लेकर मामला राज्य निर्वाचन आयोग और चुनाव आयोग के बीच में फंसा हुआ है, मगर चुनाव को लेकर तैयारियां चरम पर है। आपको बता दें, इस बार के चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल तो हो ही रहा है, साथ ही इस बार मल्टी पोस्ट ईवीएम की भी खूब चर्चा हो रही है, क्योंकि इस बार का बिहार पंचायत चुनाव इसी के तर्ज पर आयोजित करवाया जा रहा है। आपको बता दें, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कुल 6 जनप्रतिनिधियों का चुनाव करवाया जाना है, जिसकी वजह से ही बड़े माने पर ईवीएम मशीन की आवश्यकता को लेकर निर्वाचन आयोग की तरफ से रणनीति बनाने का काम किया जा रहा है। इतना ही नहीं, पंचायत चुनाव में जिस ईवीएम का इस्तेमाल होने वाला है वो विधानसभा और लोकसभा चुनाव से बिल्कुल अलग होने वाली है। पंचायत चुनाव में प्रयोग होने वाले ईवीएम मल्टीपल पोस्ट ईवीएम मशीन होने वाली है, जिससे एक कंट्रोल यूनिट के साथ कुल 6 बैलेट यूनिट जुड़े रहेंगे। सूत्रों की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार कई तकनीक से युक्त ईवीएम मशीन से एक मेमोरी चिप लगी होगी, जिससे एक चरण के चुनाव के बाद दूसरे चरण के चुनाव में इसी ईवीएम मशीन और कंट्रोल यूनिट का प्रयोग किया जाएगा। इसके साथ ही पंचायत चुनाव में मतदान के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी पर तुरंत ही ईवीएम बदलने की तैयारी हो रही है। इस दौरान अधिकारियों द्वारा पंचायत लेवल पर एक ईवीएम क्लस्टर केंद्र बनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि पंचायत चुनाव में काफी संख्या में ईवीएम मशीन का प्रयोग होगा। कहीं भी ईवीएम में तकनीकी गड़बड़ी की शिकायत मिलने से 15 से 30 मिनट के अंतराल में यहां उपस्थित नामित कर्मियों के द्वारा संबंधित मतदान केंद्र तक आसानी से ईवीएम पहुंचाया जाएगा। प्रखंड स्तर पर क्लस्टर केंद्रों का मॉनिटरिंग प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी सह बीडीओ करेंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि अब तक पंचायत चुनाव का आयोजन बैलेट पेपर के माध्यम से करवाया जाता रहा है, जिसके कारण ही कई बार बड़ी गड़बड़ियों की शिकायत सामने आई थी। हालांकि इस बार चुनाव आयोग ने मतदान के दौरान कोई भी गड़बड़ी ना हो इसको ध्यान में रखते हुए ही 6 पदों के लिए विशेष तकनीक से युक्त ईवीएम मशीन का प्रयोग करने का फैसला लिया है। इससे विधानसभा और लोकसभा चुनाव के तर्ज पर ही सुरक्षित और पारदर्शी चुनाव संपन्न कराया जा सकेगा। इस बार पंचायत चुनाव में मुखिया और सरपंच सहित सभी 6 पदों के लिए कुल 99 चुनाव चिन्ह का निर्धारण भी किया गया है। इसमें से 12 चुनाव चिन्ह सुरक्षित रखे गए हैं। इन चुनाव चिन्हों के नाम जानकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। दरअसल आयोग की ओर से निर्धारित इन नामों में जानवर, फल और सब्जी समेत ग्रामीण इलाकों में काम आने वाली कई चीजें शामिल है। आयोग ने मुखिया सहित ग्राम पंचायत सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति तथा जिला परिषद के सदस्य तथा ग्राम कचहरी के सरपंच एवं पंच के निर्वाचन के लिए जिन प्रतीक चिन्ह का निर्धारण किया है, उनमें मुखिया पद के लिए 36 चिन्ह, जिसमें राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव 2021 को लेकर मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए मोतियों की माला, ढोलक, कलम और दावत, टेम्पो, पुल, बैंगन, ब्रश, चिमनी, कैमरा, मोमबत्तियां, काठगाड़ी, ब्लैक बोर्ड, गाजर, बाल्टी, मोर, हंसिया, जंग, केतली, कुआं, सेब, डीजल पंप, टॉफी, छड़ी, मोबाइल, सीटी, चूड़िया, टोकरी, जंजीर, टेलीविजन, ऊंट, किताब, तोता, वायुयान, उगता हुआ सूरज, खजूर का पेड़ और पपीता चुनाव चिन्ह निर्धारित किया गया है। सरपंच पद के लिए 21 चिन्ह, इसमें स्टोव, मोटरसाइकिल, नल, बल्ब, चौका, बेलन, जोड़ा, बैल, स्टूल, बगुला, लड्डू, हल, टमटम, बांसुरी, टाइपराइटर, माचिस, छाता, थाली, खल, मसूल, पानी जहाज, ट्रक आदि शामिल है। जिला परिषद सदस्य के लिए 20 चिन्ह, इसमें पतंग, लेडी पर्स, लेटर बॉक्स, ताला चाबी, मक्का, प्रेशर कुकर, रेल का इंजन, आरी, अंगूर का गुच्छा, सिलाई की मशीन, स्लेट, मछली, वैन, मेज, टेबल लैंप आदि शामिल है। पंचायत समिति सदस्य पद के चुनाव को लेकर नारियल, चारपाई, कप और प्लेट, कंघा, बरगद का पेड़, डोली, फ्रॉक, कुदाल,
गैस सिलेंडर और जीप का चिन्ह तय किया गया है। पंच के लिए 10 और वहीं विशेष परिस्थितियों के लिए 12 चुनाव चिन्ह इसमें कोट, जोड़ा, हिरन, अलमीरा, अंगूठी, शंख, ब्रीफकेस, मुर्गा, लिफाफा, हैंगर, तुरही, कछुआ और गुब्बारा शामिल है। आयोग के अनुसार सुरक्षित चुनाव चिन्ह का प्रयोग विशेष परिस्थिति में यदि 6 अथवा किसी एक या एक से अधिक पदों के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या अधिक हो जाए तो इसका उपयोग किया जाएगा। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपके अनुसार मल्टीपोस्ट ईवीएम से पंचायत चुनाव करवाने का फैसला सही है या नहीं, अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।